स्वागत है हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर फोबो। आज का मैच नंबर 14 पानियर टाइटन वर्सेस पापुम रॉयल्स के बीच। इस मैच को आप घर बैठे बैठे लाइव पवेलियन टीवी यूट्यूब चैनल पे भी आनंद उठा सकते हैं। तो आज दिन का पहला मैच पानियर टाइटन्स बनाम पापुम रॉयल्स के बीच। खूबसूरत ये नज़ारा और उतना ही शानदार मैचेस इस ग्राउंड में हमने देखा। तो आज पनियर टाइटन्स और पापुम रॉयल्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा और इस मैच को आप देख सकते हैं एवी क्रिकेट में, क्रिकेट ग्राउंड में भी आकर। तो उसका समय जी हाँ, पंजर टाइटन्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहला मैच आज दिन का पंजर टाइटन्स बनाम पापुम रॉयल्स के बीच। लगातार दूसरा मैच जीतने के बाद पंजर टाइटन्स ने हार का सामना किया था तो, और पापुम रॉयल्स लगातार मैच जीत के आ रहे हैं। तो आज ये मैच बहुत ही रोमांचक होगा। टीम के कप्तान पंजर टाइटन्स के तिशी तिकू और पापुम रॉयल का तिची दोरिया मैं बता दूं, तिशी तिकू पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने सेंचुरी लगाया। और पापुम रॉयल्स का प्लेइंग इलेवन कुछ इस प्रकार है। तेची दोरिया टीम के कप्तान, तेची तादो, रचित शर्मा, तना तेती, तबा तापा, तना तजप, तबा कागु, किशन गुप्ता, सुशील मोरे, नाबम ताकर, राम सारिक यादव और 12 मैन में नाबम रिकम। और रिजर्व प्लेयर पे है हिबुंग इया, तातोका, ताना लोमा। अच्छी खासी यहाँ प्लेइंग इलेवन है पापुम रॉयल्स के। स्ट्रॉन्ग टीम है, खास तौर पर कप्तान तिची दोरिया लगातार अपना जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे। तो आज उनके खिलाफ पंजर टाइटन्स के खिलाड़ी तिशी तिकू कप्तानी कर रहे हैं। मैं बता चुका हूँ, तिशी तिकू पहला बल्लेबाज बने थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना सेंचुरी बनाया। और उनके चाहने वाले फिर से देखना चाहेंगे उनके बल्ला से और एक सेंचुरी लगाए। कुछ ही मिनटों बाद दिन का पहला मैच इन दोनों टीमों के बीच शुरू किया जाएगा। और ये खूबसूरत नज़ारा एबी क्रिकेट ग्राउंड का। और पानियर टाइटन्स का प्लेइंग इलेवन में बता दूं,
तिशी तिकू टीम के कप्तान तिची सोनम या दोदुम नाबम इंडिया। पवन प्रदीप, संगम लोमा, गोलो सेरा, निशांत कुमार, गौतम यादव, सुमन गतराज, पवन यादव। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी 2024 मैच नंबर 14, पंजाब टाइटंस वर्सेस पफम रॉयल्स, पावर्ड बाय पवलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोबो। इस मैच को आप घर बैठे बैठे लाइव पवलियन टीवी पे यूट्यूब चैनल में जाकर आनंद उठा सकते हैं। और इस टूर्नामेंट्स का लाइव मैचेस और हाइलाइट्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है एबी क्रिकेट। खूबसूरत नज़ारा इस ग्राउंड का। और आज मैच नंबर 14 है पंजाब टाइटंस और पफुम रॉयल्स के बीच। पफुम रॉयल के टीम कप्तान तेची दोरिया के बल्ले से हमने पिछले मैचेस में देखा खूबसूरत बल्लेबाजी की। और लगातार टूर्नामेंट में जीत कर आए हैं। और उनके खिलाफ आज पंजाब टाइटंस का मिडिल ऑर्डर के बारे में हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गौतम यादव और सुमन गुजरात जबरदस्त मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और टीम को मुश्किल स्थिति से निकाल कर आते हैं और मैच जिताते हैं। तो आज पपुम रॉयल्स का रणनीति यही रहेगा कि टॉप ऑर्डर जल्द कोलैप्स होने के बाद मिडिल ऑर्डर का भी जल्द से जल्द विकेट चटकाए और अंपायर तैयार तेंजिंग ताकर और तई कान्या मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं। अब बस कुछ ही मिनटों बाद लाइव एक्शन मैच शुरू होने को है। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोबो। मैदान में तैयार तिची दोरिया अपने टीम को लीड करेंगे।
जी हाँ, मैं फिर से बता दूँ, पंजर टाइटेंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनके खिलाफ पापुम रॉयल्स गेंदबाजी करेंगे। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज भी मैदान के अंदर। पिछले मैचेस में भी हमने देखा इन दोनों बल्लेबाज को सलामी बल्लेबाज के रूप में आते हुए, तो आज भी कप्तान ने उन दोनों पर भरोसा जताया और दोनों ही खिलाड़ी मैदान में। मैं बता दूं, मैच नंबर 14 पंजाब टाइटंस बनाम पापुम रॉयल्स के बीच आज दिन का पहला मैच इन दोनों टीमों के बीच, और दूसरा मैच खेलेंगे आज दिन का तानी हंटर वर्सेस लाल आने किंग्स के बीच। ये ग्राउंड का खूबसूरत नज़ारा, खास तौर पे ये ग्राउंड सुबह के समय और भी खूबसूरत हो जाते हैं। जब सूरज की किरणें निकल कर आते हैं, तो जब ग्राउंड में पड़ता है ना, तो ये ग्राउंड और भी सुंदर हो जाते हैं। तो इस ग्राउंड का खूबसूरत नज़ारा को आप देखने के लिए दोईमुख इमची में मौजूद है ये ग्राउंड। ग्राउंड का नाम है एबी क्रिकेट ग्राउंड, और एबी क्रिकेट ग्राउंड का अगर मैं बारे बता दूं, तो एबी अतु बितु क्रिकेट ग्राउंड है ये। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इन दोनों का, जिन्होंने खूबसूरत ग्राउंड इस तरह की मैचेस खेल पाए उसके लिए तैयार कर दी ये खूबसूरत एबी ग्राउंड। जितना ही तारीफ करे तो उतना ही कम। और सलामी बल्लेबाज के रूप में संगम लोमा आए हैं और स्ट्राइक लेंगे नॉन स्ट्राइक गेंद पे, या आप दो दूं। पिछले मैच में संगम लोमा ने ओपनिंग की और अच्छी स्टार्ट दी अपने टीम को, और आज भी लोमा वही कोशिश करेंगे। ये खिलाड़ी के पास भी वो क्षमता है, तो कप्तान ने बार बार इन पे भरोसा कर रहे हैं क्योंकि युवा खिलाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए ये एक खुशखबर, क्योंकि युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। संगम लोमा स्ट्राइक में गेंदबाजी करने आए हैं। ताना तेती के बारे में तो मैं आप सभी को क्या ही बताऊं, ये गेंदबाज खूबसूरत गेंदबाज करते हैं, शाहिद मुश्ताक अली जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल चुके। खूबसूरत ये गेंद और उतने ही शानदार तरीके से खेल दिया संगम लोमा ने। पापुम रॉयल्स ने पिछले मैच को जीता और कप्तान खुद
चिदोरिया मैन ऑफ द मैच बने थे। और मैं बता दूं आपको, मैं और दूसरा गेंद फिर से ड्राइव करना चाहते थे, मगर सीधा वहां कप्तान तिची दोरिया मौजूद। मैंने पिछले मैचेस में भी बहुत बार जिक्र किया था, तिची दोरिया बिशिल संगो सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते। अच्छा अच्छा खिलाड़ी उभर कर आए हैं सिलसंगो सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन से। खास तौर पर आप तिची दोरिया को तो आप देख ही रहे हैं। और तीसरा गेंद, ये इस बार करारा प्रहार करना चाहा था, मगर कनेक्शन नहीं मिला था संगम लोमा को, और तवा तपा मौजूद। खूबसूरत ये गेंद, कोई मौका नहीं संगम लोमा के पास। और लगातार यहाँ 4 2 गेंदे दबाव बनाने में कामयाब तैनाती थी। इस बार भी पुल करना चाहते थे, मगर फिर से बल्ले पे संपर्क नहीं, और यहाँ 1 रन चुराए हैं। लगातार और अब आखिरी गेंद पहला ओवर का, खूबसूरत ये गेंद फिर से, और लगातार दबाव बनाए बल्लेबाज के ऊपर, कोई मौका नहीं दिया हाथ खोलने का। पहला ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर मात्र 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। तना था जब को लेकर आए हैं कप्तान तिची दोरिया। और पहला ओवर की हम बात करें तो खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी की तिची, माफी चाहूंगा ताना तेती ने, मात्र 1 रन दिए। मैं पहले ही बता चुका था ताना तेती एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। अपील जबरदस्त, मगर जी हाँ यहाँ कोई इशारा नहीं, और आसानी से 1 रन चुरा लिया। खराब गेंद यहाँ, मगर लाभ नहीं उठा पाए संगम लोमा, और अब स्ट्राइक पे आए या अब दो दूं।
ड्राइव किया है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, या दो धुन के बल्ले से, और ये पहला चौका इस पहला इनिंग का, और दो धुन के बल्ले से भी खूबसूरत ये शॉट, पॉइंट पॉइंट की दिशा पर खेला इस शॉट को, और कोई मौका नहीं। जी हाँ, दूर रखा बल्लेबाज से और मौका नहीं देना चाहते था, जब आज उन पे कप्तान रिची दोरिया ने भरोसा जताया है, तो क्या उनके उम्मीद पे उतर पाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी। खूबसूरत ये गेंद और सीधे बल्ला से रोका ये अब दो दुम ने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं याब दोदुम और तजब अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। इस बार उताकर खेलना चाहते थे मगर नाखुश अपने आप से दोदुम। पुमी पुंगते रिजोर्ट, आप इस रिजोर्ट को स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी पुमी पुंगते रिजोर्ट @gmail.com में जाके भी। फिर से तजब, इस बार सीधा केला है, एक रन की मांग, और यहाँ कुछ भी हो सकता था। सीधा ड्राइव किया और फील्डर मौजूद थे, देखना होगा रिप्ले में। जी हाँ, अगर थ्रो यहाँ तेज और सटीक होता तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि विकेट कीपिंग तची तादो को हमने इस तरह की विकेट कीपिंग अब तक करते देखा, गलती नहीं करते अगर थ्रो सटीक करते हैं तो। ये युवा खिलाड़ी तची तादो अच्छी विकेट कीपिंग की है इस टूर्नामेंट में, कप्तान को नाखुश नहीं किया। फिर से तनाते थी अपना दूसरा ओवर डालेंगे। ये देखिए खूबसूरत गेंद, मौका नहीं देते बल्लेबाज को बिल्कुल भी, अच्छी गेंदबाजी करते हैं तनातीती। एक ओवर डाल चुके हैं अब तक, उन्होंने रन नहीं दी और खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी की। अब दोनों सलामी बल्लेबाज अब तीसरा ओवर का सामना करेंगे। ओहो, इस बार डिजाइन, इस बार भी बल्लेबाज से दूर रखना चाहते थे शायद तनातीती, मौका नहीं देना चाहते थे शायद बल्ला चलाने का, मगर डिजाइन गेंद ही है। ये देखना जरूरी होगा तनातिथि के खिलाफ ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज युवा खिलाड़ी है और तनातिथि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जिनके पास अनुभव की कमी नहीं। फिर से विकेटों पे डाली गई गेंद और ड्राइव करना चाहते थे तबा तपा तैनात पपुम रॉयल्स, पिछले मैच इसको जीता था परे टोर्नेडोस के खिलाफ 115 लक्ष्य को चेस नहीं कर पाए थे, मगर पिछले मैच में अच्छी कमबैक की है
तिची दोरिया का हमने जबरदस्त बल्लेबाजी देखा और टीम को जीत दिलाया। और कोई गलती नहीं करेंगे तिचिता दो, बार बार यहाँ रूम बनाना चाहते थे खुद के लिए और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे या दो, और फिर से उनको लौटना होगा डगआउट की ओर, क्योंकि पिछले बार भी सलामी बल्लेबाज के तौर रूप में आए थे और जल्दी लौट गए थे, और इस बार भी यहाँ गलत खेल रहे थे। ये चेरकानी की अच्छी लाइन और लेंथ की गेंद को, यहाँ ये गलत शॉट, और तादो ने कोई गलती नहीं की। खूबसूरत ये गेंद और कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, अपना विकेट गवा रहे थे और पहला विकेट चटकाया यहाँ ताना तेती ने, और पफुम रॉयल्स को भी पहला विकेट मिला। गोलो सरा आए बल्लेबाज करने, मुझे यहाँ थोड़ी समझ नहीं आ रहा पंजाब टाइटंस की बैटिंग लाइनअप पे नज़र डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छी ओपनिंग देने वाले तिशी तिकू खुद मौजूद थे और खुद नहीं आए, और तेची सोनम को तो हम जानते ही जबरदस्त बल्लेबाज करते हैं पावर प्ले के अंदर, तो मुझे लगता है इन दोनों बल्लेबाज को आना चाहिए था और एक अच्छी शुरुआत दे सकते थे। और अगर इस तरह की आप स्ट्रेटेजिक सही नहीं करेंगे तो आप मैच हार जाएंगे। यह मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं पंजाब टाइटंस, क्योंकि आपको मैच जीतना बहुत जरूरी है। एक रन जरूर चुराएंगे यहाँ से। और जब जब पफुम रॉयल्स के बारे में हम बात करें तो कप्तान तिची दोरिया से हम देखेंगे कभी गलती नहीं करेंगे, सीरियस बहुत सीरियस लेकर मैच खेलते हैं और टीम को हमेशा जीत दिलाने की कोशिश में रहते हैं। और दूसरा गेंद, दूसरा ओवर डाल रहे हैं ताना तेती, पहला विकेट चटका चुके हैं अपना। खूबसूरत ये गेंद, फिर से उतनी ही बेहतर तरीके से खेला है शिवम लोमा। लोमा को समय लेना होगा यहाँ, क्योंकि ये खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाज करते हैं और 6 गेंदों का सामना की है अब तक, हालांकि खाता नहीं खोल पाए। और पूमी पुमते रिजॉर्ट, इस रिजॉर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी पूमी पुंगते रिजोर्ट @gmail.com में जाके। जी हाँ, यहाँ जरूर एक रन चुराएंगे, और इसी एक रन के साथ लोमा ने अपना खाता खोला। 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट नुकसान के बाद। और अब गेंदबाजी में हम देखेंगे फिर से फुलतोस गेंद,
यह शायद लाभ नहीं उठा पाए शंभम लोमा तनाता, जब पहला गेंद तोपे में फुल टॉस दी मगर एक रन से संतोष होना होगा। ओ यहाँ इन स्विंग देख सकते हैं इस खिलाड़ी का, जबरदस्त इन स्विंग गेंदबाजी करते हैं तनाता। जब इस बार भी एक रन चुराया, गोलो सरा और संगम लोमा बल्लेबाज कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस ओवर ये चल रहा है मगर अब तक लाभ नहीं उठा पाए। रूम बनाना चाहते थे खुद के लिए और कट करना चाहते थे मगर फिर से बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी की है अब तक तनाता, जब ने निराश नहीं किया कप्तान को और कप्तान उनसे यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरह की गेंदबाजी करे और लगातार दबाव बनाए बल्लेबाज के ऊपर, और कर रहे हैं तनाता। जब इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, कनेक्शन बेहतर नहीं और लॉन्ग ऑन के फील्डर बाहर थे, उसी के चलते मात्र एक रन से संतोष। इस बार फील्डर मौजूद जरूर थे वहां मगर 4 रन मिलेंगे। चौका आप देख सकते हैं, करारा प्रहार करना चाहा मगर बल्ले पे उतना संपर्क नहीं था और फील्डर भी मौजूद थे मगर रोक नहीं पाए। कट किया है पॉइंट की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर 4 रन, और बल्लेबाज अब आक्रामक अंदाज से बल्लेबाज करते हुए 2 चौके आ चुके हैं। ये देखिए खूबसूरत ये शॉट, पॉइंट के ऊपर से खेला, कोई मौका नहीं, पूरा पाय लाभ उठाते हुए अब रेस्ट्रिक्शंस ओवर का। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 21 रन 1 विकेट नुकसान के बाद। अब रेस्ट्रिक्शंस का पूरा लाभ उठाते हुए बल्लेबाज गोलो सरा अभी अभी आए थे और 2 चौके लगाए पिछले ओवर में, थोड़ी सी दबाव में थे बल्लेबाज मगर अब थोड़ी सी प्रेशर रिलीज हुई, रन आए पिछले ओवर्स में। खूबसूरत ये गेंद फिर से तनातिती के गेंदबाजी में हम देख रहे हैं, खूबसूरत गेंद ये। दूसरा ओवर माफी चाहूंगा, अपना तीसरा ओवर लेके आए हैं, अब तक मात्र 2 रन दिए 1 विकेट चटका कर। लाइन और लेंथ को ये खिलाड़ी बरकरार रखते हैं और कोई मौका नहीं देते। खूबसूरत गेंदबाजी, सामना करेंगे संगम लोमा। फिर से यहां पुल करना चाहते थे शायद मगर कोई मौका नहीं। संगम लोमा यहाँ संघर्ष करते हुए बल्ले गेंद बल्ले पे उतना अच्छा संपर्क नहीं अब तक, और तनातिती भी कोई मौका नहीं दे रहे हैं। कोई मौका नहीं इस बार भी,
अच्छी गेंदबाजी की, तीन लगातार दो गेंदे। संगम लोमा 14 गेंद का सामना कर चुके हैं 3 रन बनाकर, और तनातिती यहां लगातार बार बार हावी होता हुआ बल्लेबाज के ऊपर। रिस्ट्रिक्शंस ओवर में ये खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। ओ इस बार भी देखिए संगम लोमा को कोई मौका नहीं दी। 4 दो गेंदे आ चुके हैं लगातार। क्या तनातिती मेदिन ओवर निकालेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। और संगम लोमा के ऊपर लगातार बार बार प्रेशर। क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे संगम लोमा, 15 गेंदों का सामना कर चुके हैं और 3 रन बनाए। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, संगम लोमा बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट किया है। खूबसूरत ये शॉट 6 रन के लिए। जी हाँ इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और कोई गलती नहीं, क्योंकि जानते हैं 4 दो गेंदे आ गए तो अब चौके की छक्के की जरूरत, तो संगम लोमा ने वही किया, कदमों का इस्तेमाल किया और मिड विकेट की दिशा में ही है 6 रन के लिए। कैच की मांग है मगर कोई मौका नहीं। खूबसूरत ये इन स्विंग और खूबसूरत कोशिश विकेट कीपिंग द्वारा। और 5वां ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 28 एक विकेट नुकसान के बाद पापा आए हैं गेंदबाजी के लिए। पापा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, काफी सारे विकेट चटकाते हुए हमने देखा है उनको, और आज भी शायद वही करेंगे। ये देखिए मौका नहीं देते हैं पापा, खूबसूरत गेंदबाज। ये बॉलर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हो सकता है अगर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो। हमने तपा को सर्कल्स टूर्नामेंट में देखा है अपने सर्कल बालीजान के लिए काफी सारे विकेट चटकाते हुए, और आज हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी में हम उनको गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। जी हाँ इस बार दिशा ने ये वाइड का इशारा। शॉट खेला जरूर मगर कनेक्शन फिर से उतना अच्छा नहीं, 1 रन जरूर चुराएंगे। मैच नंबर 14 आज दिन का पहला मैच पंजाब टाइटंस बनाम पफुम रॉयल्स के बीच। पंजाब टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला की और 30 रन बना चुके हैं एक विकेट गंवाकर।
उठाकर खेलना चाहते थे मगर कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद में। तापा जो कि बार लगातार विकेट चटकाते आए हैं और आज भी उनसे यही उम्मीद करेंगे टीम के कप्तान रतिची दोरिया। कनेक्शन अच्छा नहीं, एक रन जरूर मिलेंगे। भूमि पुंगते रिजोर्ट, इस रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ईमेल आईडी है भूमि पुंगते रिजोर्ट @gmail.com। जी हाँ, इस बार कोई मौका नहीं। ये खराब गेंद और संगम लोमा ने पूरा फायदा उठाया। ये आखिरी ओवर है रेस्ट्रिक्शंस का और लोमा को हमने स्ट्रगल करते हुए देखा पिछले ओवरों में और अब उनके बल्ले से ये 4 रन 15 रन बना चुके हैं। सीधा बल्ला से खेलना चाहते थे और बीत हुए। ओवर की समाप्ति। जे ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 35 एक विकेट नुकसान के बाद। छह ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 35 एक विकेट नुकसान। रेस्ट्रिक्शंस ओवर की समाप्ति हुई। अब रचित आए हैं गेंदबाजी करेंगे। उतार दिया गेंद हवा में, क्या फील्डर मौजूद है और यहाँ आसानी से के चोर बैठे। यहाँ जीवनदानी है गोला सरा को कप्तान ने ना कुछ तिची दोरिया। मैंने कहा था तिची दोरिया बहुत ही सीरियस लेकर खेलते हैं मैचेस को, तो इसी तरह की उम्मीद नहीं करेंगे बिल्डर्स को। बहुत ही खराब बिल्डिंग, बिल्कुल ना कुछ कप्तान दोरिया। यहाँ यहाँ आसानी से कैच लपक सकते थे। अब पूरे कंफर्टेबल नजर भी आए उस कैच के लिए मगर अंतिम वक्त पर इस बार गलती नहीं करेंगे। जी हाँ, लपक लिया है। फिर से उसी दिशा में खेला इस शॉट को और वही फील्डर मौजूद और इस बार कोई गलती नहीं की। अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ी से गलतियां हो जाते हैं और बार बार गलती नहीं करेंगे। रिप्ले में आप देख सकते हैं मिड विकेट के दिशा के ऊपर से शायद उठाकर खेलना चाहते थे और कनेक्शन बेहतर नहीं और जर्सी नंबर 13 फिर से मौजूद और लपक लिया इस बार। इस बार मुश्किल कैच को उन्होंने पकड़ा। पिछले बार का कैच तो इससे भी आसान था मगर गलतियां हो जाते हैं और बार बार गलती नहीं किया और कैच को लपक लिया।
अब तिची सोना माए, ये बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ये देखिए, खराब गेंद और सीधा बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट। मैंने पहले कहा था इनको, अब यहां से देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि यह बेहतरीन शॉट पूरा लाभ उठाया और उसी 6 रन के साथ अपना खाता भी खोला। और सोनम के बारे में बात करें तो ये हाल ही में रणजी खेल के आए हैं अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, तो अनुभव की कमी बिल्कुल नहीं है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और आप पहला ही गेंद में गेंद को बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट किया। मुझे लगता है अब यहाँ से रन तेज गति से बनेंगे, क्योंकि ये बल्लेबाज तेज गति से रन बनाने में जाने जाते हैं। और मैं कह रहा था खास तौर पे T20 फॉर्मेट में तिची सोनम का ओपनिंग आना बहुत जरूरी है। फील्डर मौजूद, इस बार कोई रन नहीं। इसी के साथ सातों ओवर की समाप्ति। 7 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 43 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। तिची दौरिया आए हैं अब गेंदबाजी करने, अपना पहला ओवर लेकर। सलामी बल्लेबाज के रूप में संगम लोमा आए थे, 16 रन बना चुके हैं 22 गेंदों का सामना करके। और अभी अभी सोनम आए थे और 6 रन के साथ अपना खाता खोला। सोनम के बारे में हम बात कर रहे थे, इस खिलाड़ी को T20 जैसे फॉर्मेट में ओपनिंग बल्लेबाज करने आना चाहिए, क्योंकि और यहाँ मिड विकेट की दिशा पर फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन मिलेंगे संगम लोमा के बल्ले से। ये खराब गेंद, पुलर गेंद और पूरा लाभ उठाया। तिची दोरिया को आते ही 4 रन के साथ स्वागत किया उन्होंने। ये देखिए खूबसूरत शॉट कट किया है पॉइंट की दिशा पर, फील्डर तैनात, 1 रन जरूर चुराएंगे। और अब स्ट्राइक में तिची सोनम, खूबसूरत ये शॉट, 1 रन जरूर चुराए। अभी अभी तिची दौरे आए थे गेंदबाजी करने और उनको हाथ सेट होने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज संभव लोमा ने, 4 रन के साथ स्वागत किया उनको। कैच की थी मांग की थी, खूबसूरत ये गेंद कैरी नहीं की शायद, जी हाँ थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी, मगर वो ये खूबसूरत गेंद समझ नहीं पाए, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए संगम लोमा। अच्छी गेंद, कट कर दिया, फील्डर मौजूद मगर
बहुत ही खराब फील्डिंग, और यहाँ 2 रन की मांग की है और बैकअप भी मौजूद नहीं, इसी के चलते 3 रन भी मिल जाएंगे। नौ रन आए इस ओवर से। तबा तापा अपना दूसरा ओवर डालेंगे संगम लोमा, जो कि 24 रन बना चुके हैं। हल्की सी अपील है मगर कोई इशारा नहीं, अच्छी गेंद रही है। लोमा 24 रन बना चुके हैं और फील्डर तैनात, कोई रन नहीं। तपा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, दो लगातार दो गेंदें निकाल चुके हैं, और इस गेंदबाजी के बारे में हम जितना तारीफ करें तो कम है, क्योंकि अपने बालीजान सर्कल को सर्कल मैचेस में काफ़ी सारे विकेट चटकाए और हाईस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ चकमा दिया उन्होंने। सुलवार गेंद डाला और पूरी तरह से बीत करने में कामयाब हुआ। यह फिफ्थ एडिशन पापुम परे T20 सुपर लीग का ताबा तापा हाईस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। अच्छी गेंद है, कोई मौका नहीं। सोना में ड्राइव लगाना चाहते थे मगर अच्छी गेंदबाजी। तापा के बॉलिंग एक्शंस पे हम एक नज़र डालें तो ये हमें मालिंगा की तोरी याद दिलाती है। धीमी गति से, तेज गति से ये गेंदबाजी के पास वो क्षमता है वो डालने की चतुराई। उतार दिया इस बार, सीधा खेला है, साइड स्क्रीन पे जाके टकराई और 4 रन मिलेंगे। ये खिलाड़ी सोनम खराब गेंद को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, सीधा पनिश करते हैं और बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट कर देते हैं। अभी अभी आए थे और 11 रन बना चुके हैं। खूबसूरत शॉट ये है, कोई मौका नहीं मगर डीप पॉइंट की दिशा पर फील्डर तैनात देते, उसी के चलते 2 रन चुराएंगे। और 9 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 59 दो विकेट नुकसान के बाद। कप्तान खुद फिर से गेंदबाजी करेंगे तिथि धोरिया।
खूबसूरत ये गेंद कट किया है, फील्डर तैनात और आसानी से एक रन चुराया। पिछले सीजन में डोमेस्टिक रणजी टूर्नामेंट में तिची दोरिया ने लगातार 3 अर्धशतक जड़े थे। बहुत ही अच्छा उनका डोमेस्टिक सीजन किया। ये देखिए खूबसूरत गेंद, जानते हैं फील्डर वहाँ उन्होंने तैनात की तो वहाँ बल्लेबाज को खेलने में मजबूर की। और तिची दोरिया के बाद हम बात कर रहे थे, 3 अर्धशतक जड़े थे रणजी डोमेस्टिक ट्रॉफी में। खूबसूरत गेंद, फिर से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अक्सर बल्लेबाज को लेग ब्रेक खेलने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, खास तौर पर अगर आप अच्छी तरह से लेन और लाइन में गेंदबाजी करेंगे तो। कैचित की मांग, देखना होगा ये मुश्किल कैच जरूर होता क्योंकि फील्डर मौजूद नहीं थे डीप मिड विकेट की दिशा में। चौथा गेंद, और गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए, मगर सोनम यहाँ पुल करना चाहते थे मगर कनेक्शन उतना बेहतर नहीं, और फील्डर होते तो लपक लेते, बाल बाल बचे। दोरिया मुस्कुराते हुए हवा में खेला मगर एक रन चुराएंगे। और इसी के साथ ड्रिंक्स का इशारा।
स्वागत है फिर से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। 10 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 65 2 विकेट गंवाकर। अब गेंदबाजी में राम सारिक यादव आए हैं। पंजर टाइटंस के बारे हम बात करें तो ये टीम के पास वो बल्लेबाज मौजूद हैं और ये टीम 250 का टारगेट भी सेट कर सकते हैं। बैटिंग लाइनअप्स बहुत ही अच्छा है ये इन पंजर टाइटंस टीम का, मगर बैटिंग लाइनअप शायद यहाँ कप्तान सही से और राम सार किया था। अब यह खूबसूरत गेंद और आते ही राम सारिक यादव का पहला ही गेंद को सोनम बाउंड्री में डिपॉजिट करना चाहते थे। जी हाँ, पंजर टाइटंस की हम बैटिंग लाइन्स में बात करें तो ये टीम के पास वो क्षमता है जो 250 जैसे बड़ा लक्ष्य बना सकता है, क्योंकि पीछे में तिशी तिकू कप्तान खुद मौजूद है और गौतम कुमार मौजूद है। और सुमन गतराज जैसे अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। मैं तो कहता हूँ ये टीम 300 भी बना लेंगे, मगर अच्छी गेंदबाजी अब तक की है पप्पू रॉयल्स ने, तो बल्लेबाज का बल्ला को खामोश रखने में कामयाब है। अच्छी गेंद राम सारिक यादव अलग अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, कोई मौका मौका तो बिल्कुल नहीं देते ये गेंदबाज, बल्ले के ऊपर बिल्कुल हावी हो जाते हैं। पुंगमी पुंगते रिजॉर्ट, इस रिजॉर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ईमेल आईडी है पुंगमी पुंगते रिजॉर्ट @gmail.com में जाके पतकाए। कि हाँ, कोई मौका नहीं संगम लोमा के पास। ये इस विकेट का रामचारिक यादव अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ओह यहाँ अपील जरूर, कोई इशारा नहीं। मैं कह रहा था राम सारिक यादव ये जानते हैं ये किस तरह की गेंदबाजी करनी है, इस तरह की विकेटों में देखिए सामने से गेंद को ये देखिए, यहां भी कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। गुड लेंथ से ये गेंदबाजी के पास वो क्षमता है गेंद को तप्पे खाकर उछाल प्राप्त करने में कामयाब होते हैं हमेशा, और बल्लेबाज के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाते हैं। और अब गेंदबाजी में कप्तान फिर से तिची दोरिया खुद आए हैं और सामना करेंगे संगम लोमा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ये खिलाड़ी कंस्ट्रक्शन चलता हुआ यहाँ ग्राउंड के सामने। ओ आखिरी वक्त तक गेंद को देखा और
पॉइंट की दिशा पर हल्के हाथों से कट किया, एक रन चुराया। खूबसूरत डोमेस्टिक सीजन बीता तिची दोरिया के लिए। कैचित की मांग है मगर फील्डर मौजूद नहीं, 2 रन जरूर चुराएंगे। अक्सर लेग ब्रेक बल्लेबाज के लिए खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कल हमने देखा तानी हंटर्स और पोम्बा ट्राइडेंस के बीच ये खराब गेंद और डिजाइन। दोरिया जानते हैं यहाँ सोनम को जानते हैं और सोनम अब पूरी तरह से तैयार है चौके और छक्के लगाने के लिए, और दोरिया मौका नहीं देना चाहते उनको। कैचित की मांग, फील्डर मौजूद, यह खराब फील्डिंग, टक्कर नाम टक्कर मौजूद थे क्या, ठीक है ये खिलाड़ी ये देख, जी हाँ ये खूबसूरत गेंद और मौका भी बनाया कैच के लिए। नाखुश टीम मैनेजर, अच्छा शॉट और खूबसूरत फील्डिंग यहाँ, इसी तरह की फील्डिंग्स। जी हाँ मैनेजर बहुत ही नाखुश अपने टीममेट से, यहाँ कैचेस चोरा। यहाँ देखिए आप खूबसूरत फील्डिंग का नजारा, मजा आ गया इस फील्डिंग्स को देखकर। बारह ओवर समाप्ति के बाद है, टीम का स्कोर 74 रन, लॉस्ट द 2 विकेट। कुछ देर तक दबाव में बिल्कुल बनाए रखे थे पफम रॉयल्स ने, मगर तिची सोनम आते आते रिलीज की और उनका साथ संगम लोमा दे रहे हैं, 28 रन बना चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था इस टीम के पास वो क्षमता है जो 250 इससे बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। अब गेंदबाजी में फिर से रामचारी की आदाब, ओह कोई मौका नहीं देते। जी हाँ यहाँ डिजाइन पटकाई और तिची सोनम के पास कोई मौका नहीं। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, पिछले ओवर में रामचारी यादव को ओवर को हमने देखा मात्र 1 रन दी थी। अब दूसरा ओवर डाल रहे हैं अपना, ये खराब गेंद और विकेट कीपर का तारीफ करना होगा हमें, यहाँ खूबसूरत तरीके से रोका ये युवा खिलाड़ी तिची तादो, जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं और उतनी ही शानदार बल्लेबाजी भी। पुरतोस गेंद और कोई मौका नहीं फील्डर्स के पास, 4 रन मिलेंगे। खराब गेंदबाजी यहाँ,
अपने लिए रूम बनाया और कवर्स की दिशा में तिची धोरिया तैनाते, मगर उनके पास कोई मौका नहीं। गोली की रफ्तार से ये गेंद निकल गई। इस तरह के चौके को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सोच से जब गोली की रफ्तार से निकालते हैं तो बिल्डर्स के पास समय बहुत कम होता है। पुमी पुंते रिजॉर्ट, इस रिजॉर्ट को आप विजिट कर सकते हैं स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर। पॉइंट के दिशा में अच्छी फील्डिंग, यहाँ 3 रन रोका अपने टीम के लिए। खूबसूरत फील्डिंग यहाँ जर्सी नंबर 14 का हमने पिछले ओवर में देखा, खूबसूरत फील्डिंग का नजारा। और इस बार भी ये अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को हाथ खोलने का। लोमा को अब तक हम संघर्ष करते हुए देख रहे हैं, 39 गेंद का सामना कर चुके हैं 28 रन बनाकर, मगर युवा खिलाड़ी है तो उनको इस तरह के प्रेशर से इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहा था, मगर फिर से यहां नो बॉल का इशारा। इस बार भी प्री हिट मिलेगा और पूरा लाइसेंस बल्लेबाज के पास, कहीं भी भेज सकते हैं इस गेंद को। जी हाँ, अच्छी गेंद और कोई लाभ नहीं होता भाई। यहाँ सांभव लोमा रामचारी किया था, अब अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं और अब लगातार 2 वाइड के बाद 2 नो बॉल डाले। पिछले ओवर में बहुत ही खूबसूरत इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की थी, मगर ये उनका दूसरा ओवर हल्की सी महंगा। फाइन लेग मौजूद है, नाबम ताकर आसानी से 1 रन चुराएंगे। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 84। फिर से रूम बनाना चाहते थे, इस बार भी नो बॉल का इशारा। जी हाँ, ये नो बॉल का इशारा है और ये प्री हिट कितना लाभ उठा पाएंगे ये देखना जरूरी है। सीधा खेल दिया, कोई मौका नहीं। खूबसूरत ये शॉट, करारा प्रहार किया, ये चौका तिची सोनम के बल्ले से रूम बनाया और सीधे बाउंड्री के बाहर डिपोजिट किया। 4 रन मिला।
और इसी 4 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति। 13 ओवर हैज बिन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 89 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। 25 ओवर में 31 रन बना चुके हैं 22 बॉल्स का सामना करके, और संगम लोमा 29 रन बना चुके हैं 42 बॉल्स का सामना करके। तपा तीसरा ओवर डालेंगे अपना स्ट्राइक पे, सेट बैट्समैन संगम लोमा मौजूद। सीधा बल्ला से खेला, 1 रन जरूर चुराएंगे। यहाँ खराब थ्रो के चलते 2 रन भी मिल जाएंगे और 3 रन भी चुराएंगे। यहाँ बाय वन गेट वन फ्री, खराब फील्डिंग का नजारा। इस तरह की रन लीक नहीं कर सकते आप। फील्डर्स को समझना होगा अब रन रोकना बहुत जरूरी। मिड विकेट की दिशा पर फील्डर तैनात नहीं, 4 रन मिला। सोनम अब खामोश नहीं रहेंगे क्योंकि सोनम अब जानते हैं यहां से रन की बहुत ही जरूरी, और अपना बल्ला चला रहे हैं और चौके और छक्के भी निकाल रहे हैं। तपा अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी कमबैक। सोनम की बल्लेबाजी में हम एक नजर डालें तो बार बार खुद के लिए रूम बना रहे हैं और गेंदबाज वही रूम उनको बार बार दे रहे हैं और सीधे बाउंड्री में तकदील कर देते हैं। इस बार भी करारा प्रहार करना चाहते थे मगर फिर से कनेक्शन नहीं मिला संगम लोमा को। यहाँ 2 रन चुराना चाहते थे जरूर यहाँ संगम लोमा, मगर सोना आप जानते हैं उनका स्ट्राइक पे होना बहुत ही जरूरी। जी हाँ, 36 रन बना चुके हैं तिची सोनम 24 गेंद का सामना करके। इस बार गेंद हवा में है, क्या ये कैच होगा? बहुत ही खराब फील्डिंग यहाँ। इस तरह की फील्डिंग्स करेंगे तो आप रनों की गति को आप नहीं रोक पाएंगे क्योंकि गेंदबाज यहाँ बार बार मौका बना के दे रहे हैं और फील्डर्स का कहीं साथ नहीं। खराब फील्डिंग है, पूरी तरह से मिस कर देते, आसानी से कैच। संगम लोमा यहाँ रूम बनाना चाहते थे खुद के लिए और शायद कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे इस शॉट को, मगर तो पे जाके लगी और 1 रन मिलेंगे। ओवर की भी समाप्ति।
गौतम आए हैं। गौतम कुमार आए हैं अब क्रीज में, संगम लोमा के रिटायर्ड आउट के बाद। इस खिलाड़ी के पास हो सकता है, पिछले दो लगातार दो मैचेस में हमने इस बल्लेबाज को जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए देखा है, और आज देखिए आते ही करारा प्रहार किया है। जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाज करते हैं ये खिलाड़ी, और आते ही पहला ही गेंद बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट करना चाहते थे। खास तौर पे मिडिल ऑर्डरों में गौतम कुमार और सुमन गतराज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और टीम को मुश्किल स्थिति से निकालना जानते हैं। तो अब 14 ओवर, 15 ओवर चल रहा है, तो अब गौतम कुमार आए हैं। इस बार भी रूम बनाना चाहते थे खुद के लिए। ओहो, यहाँ विकेट पे टकराते तो चिता दो। रिप्ले में हम जरूर देखेंगे। रूम बनाना चाहते थे खुद के लिए, फिर से हाथ मारना चाहते और पूरे बाहर निकल गए थे। सोना एक रन चुराना चाहते थे और सरेंदर भी हो गए थे, मगर तिची तादो का यहाँ अगर सटीक हल्के हाथों से खेला, मगर 4 रन प्राप्त किए थे सोनम ने। यहाँ पिछले सोच के बारे में हम बात करते, तिची तादो अगर सही बॉल विकेट पे लगा देते तो तेची सोनम और बॉलर के पास भी वो मौका था, अगर वो थ्रो सही विकेट पे कर देते तो तेची सोनम को लौटना होता। एक ही समय में दो दो ओवर मौका मिलना, ये खूबसूरत अंदाज में खेला है तपा मौजूद। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग। महंगा पड़ सकता है सोनम को ये इस तरह की मौके बनाकर देना, और स्ट्राइक में अब गौतम कुमार। यहाँ बहुत ही पाइन, मगर फील्डर भी तैनात थे, मगर रोक नहीं पाएंगे। अब हम तकर रोक नहीं पाए और 4 रन आए। क्या ये बल्ले पे जाके लगी? नहीं, ये तो बल्ले पे जाके बिल्कुल नहीं लगा, बहुत ही फाइन गया, तो फील्डर रोक सकते थे शायद, मगर बिल्कुल नाकाम हुए रोकने में। फील्डर मौजूद, इस बार गलती नहीं किया है नाभन तक्कर ने, और खतरनाक बैट्समैन है गौतम को लौटना होगा अब। ये गौतम यहाँ सूर्या कुमार यादव का शॉट लगाना चाहते थे शायद, मगर बल्ले पे उतना बेहतर कनेक्शन नहीं, और सीधा उनको पवेलियन की ओर लौटना होगा। शॉट खूबसूरत जरूर था, मगर कनेक्शन वो उतना अच्छा नहीं। तकर ने कोई गलती नहीं की।
गौतम के लौटने के बाद अब सुमन आए। सुमन भी अच्छे बल्लेबाज करते हैं, मगर पंजर टाइटंस के चाहने वाले, टीम को चाहने वाले तिशी तिकू का बल्लेबाज देखने के लिए आंखें तरस गई अब, क्योंकि तिशी तिकू अब तक क्रीज पे नहीं आया। कप्तान है पंजर टाइटंस के और शायद मौका दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि बहुत सारे अब मैचेस बाकी हैं। 15 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 110 चार विकेट नुकसान के बाद सोनम फोर्टी टू रन बना चुके हैं 28 गेंद का सामना करके। यहाँ जितना भी ऑडियंस पंजर टाइटंस के चाहने वाले हैं शायद है, तिशी तिकू को देखना चाहते हैं बल्लेबाज करते हुए, मगर तिशी तिकू को अब तक हमने नहीं देखा। पहला बल्लेबाज थे जो इस टूर्नामेंट का सेंचुरी बनाने वाले। सीधा खेला है, कोई मौका नहीं फील्डर्स के पास, बहुत ही सीधा खेला गया ये शॉट, खूबसूरत शॉट कहूँगा। आसान नहीं होता इतना सीधा खेलना, स्ट्रेट ड्राइव सोनम के बल्ले से 4 रन मिलेंगे यहाँ। जी हाँ, इस बार फुल टॉस गेंद, मगर 1 रन जरूर छुड़ाएंगे। सुमन आए हैं अब बल्लेबाज करने गौतम के लौटने के बाद। लंबी चौड़ी लाइनअप है पंजाब टाइटंस के पास, बल्लेबाजी में हम एक नज़र डालें तो ये टीम के पास वो क्षमता है जो 250 जैसे आंकड़ा जी हाँ, अच्छी गेंद, सिंगल चुराया और इसी 1 रन से अपना खाता खोला। मैं कह रहा था इस टीम के पास वो क्षमता है जो 250 जैसे आंकड़े को छू सकता है। आज कप्तान खुद नहीं आए बल्लेबाज करने, एमएस धोनी का याद दिला दिया है, अक्सर 5-6 नंबर पे आते हैं बल्लेबाज करने। अच्छी गेंद, 1 रन जरूर चुराए। सुमन ने जिनके बारे में हम बात करें तो पिछले मैचेस में पानी हंटर्स के खिलाफ काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। यहाँ अच्छी गेंद, इस बार कोई मौका नहीं और सोनम 48 रन पे पहुंच चुके हैं अब, मात्र उनको चाहिए 2 रन अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। और पूमी बूंते रिजोर्ट, इस रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई गलती नहीं करेंगे, खूबसूरत ये गेंद तवा तपा का, और तिची तादो ने कोई गलती नहीं किया। बहुत सारे कैचेस पकड़े हैं तिची तादो ने इस टूर्नामेंट में और बहुत सारे स्टंपिंग भी की। शायद ये खिलाड़ी, मैं तो कहूँगा और सुमन को लुटना होगा अब, पिछले मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी मगर आज कुछ खास नहीं कर पाए। जी हाँ, कवर्स के ऊपर से शायद खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा देते हैं, क्योंकि हमने देखा है सुमन को इस तरह के शॉट लगाते हुए और खूबसूरत अंदाज में खेलते भी है, मगर
इस बार नाकाम हुए। जी हाँ, उनके लौटने के बाद प्रदीप आए हैं। दिशाएं यहाँ दरेखित होता तो बाल बाल बच्चे, मैं तो कहूंगा प्रदीप गोल्डन डक हो सकता था। जी हाँ, अच्छी विकेट कीपिंग, और मगर अगर सटीक थ्रो होता तो चिता दो का तो प्रदीप को लौटना होता दगा की। और प्रदीप आए हैं बल्लेबाजी करने सुमन के लौटने के बाद, अब देखना होगा। पुल करना चाहते थे, कनेक्शन अच्छा नहीं, फील्डर मौजूद है मगर लपक नहीं पाएंगे, तवा तपा मौजूद थे। तपा से हम इस तरह की उम्मीद नहीं करते, उनको लपकना चाहिए था इस कैच को। नाखुश निराश जरूर होंगे अपने आप से, मगर इस तरह की गलती हो जाती है, मगर उनको ये कैच लपकना चाहिए था, मैं तो कहता हूँ। सोनम अब क्रीज में, खूबसूरत ये शॉट बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट कर दिया, और इसी 6 रन के साथ सोनम का अर्धशतक पूरा हुआ। खूबसूरत बल्लेबाजी, और नो बॉल का भी इशारा यहाँ। सूरत ये शॉट पुल किया है बाउंड्री के बाहर, सीधा डिपॉजिट किया और अपना 50 रन भी पूरा किया था सोनम ने। मगर शायद उनको उतनी खुशी नहीं अपना अर्धशतक से। अक्सर हमने देखा है बल्लेबाजियों को अर्धशतक लगाते हुए बहुत ही खुश हो जाते हैं, मगर सोनम बिल्कुल खुश नहीं है। दिशाएं ये वाइट का इशारा, क्योंकि सोनम जानते हैं यहां उनका काम खत्म नहीं हुआ है। एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाना जरूरी, ये सोनम जानते हैं। तो अच्छी बल्लेबाजी की है, अब तक 54 रन बना चुके हैं जी सोनम। इस बार विकेट कीपर के पीछे से निकलेगा ये चौका। इस समय रन की जरूरत, चाहे वो किसी तरह से भी आए, कहीं से भी आए, ये जानते हैं तिची सोनम। पुंगमी पुंगते रिजोर्ट, इस रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई मौका नहीं इस बार भी फील्डर्स के पास, बस देखते ही रह जाएंगे। बार बार रूम बनाकर बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट कर रहे हैं।
सेट हो चुकी है पूरी तरह से तिची सोनम, और उनका स्ट्राइक रेट तेजी से बढ़ता हुआ, अब लगभग उनका स्ट्राइक रेट 198 का। ये देखिए जरा, मजा आ गया इस शॉट को देखकर तो, खूबसूरत ये शॉट। क्या तिची सोनम बनेंगे इस टूर्नामेंट का तीसरा बल्लेबाज जो सेंचुरी लगाएंगे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अब बहुत ही तेज हो चुका है, 220 का स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 70 रन बना चुके हैं। मगर यहां सीधा क्लीन बोल्ड, अच्छी कमबैक सुशील द्वारा, सेट बैट्समैन है तिची सोनम को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया, मगर अपना काम कर दिया तिची सोनम ने यहां। दबाव में थे पंजर टाइटंस की टीम, और तिची सोनम ने हल्की सी राहत के साथ दी, 70 रन बना के लौटेंगे तिची सोनम। जी हाँ, देख सकते हैं सीधे विकेटों पे डाली गई गेंद और पूरी तरह से चूक गए, अच्छी बल्लेबाजी की है। पुंगमी पुंगते रिजोर्ट है, इस रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी है पुंगमी पुंगते रिजोर्ट @gmail.com में जाके भी आप इस रिजोर्ट को विजिट कर सकते हैं। सोनम के लौटने के बाद अब फिर से पवन, ये क्या हो रहा है, अब तक कप्तान खुद बल्लेबाज करने नहीं आए पंजर टाइटंस के, क्या वो इस मैच को खेल भी रहे हैं, ये सोचने पे मजबूर कर दिया है जितने भी ऑडियंस इस मैच को लाइव देख रहे हैं। तिची दोरिया गेंदबाजी करेंगे, ओ खूबसूरत गेंद, अपील जहाँ जबरदस्त, मगर जी हाँ कोई इशारा नहीं, ये शायद मिसिंग लेग होगा, ये दोरिया का जबरदस्त अपील है, अपना आखिरी ओवर डाल रहे हैं, खूबसूरत ये गेंद, अच्छी गेंद जरूर की थी। ओहो यहाँ फिर से पूरी तरह से चूक गए, अक्सर इस तरह की डेथ ओवर्स में स्पिन्स बहुत ही महंगा पड़ जाते हैं, मगर दोरिया अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए फिर से लगातार 3 दो गेंदे, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, मैं तो ये अच्छा शॉट स्वीप किया, बिल्डर मौजूद, मात्र 1 रन चुराएंगे। चार तीन दो गेंदे डालने के बाद 1 रन इस बार, ओह खूबसूरत की ये गेंद, मजा आ गया इस गेंद को देखकर, अच्छी गेंदबाजी की है, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को, दोनों ही बने बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। फिर से अच्छी गेंद और एक
खूबसूरत ओवर की समाप्ति हुई। बिल्कुल भी यहाँ मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, और बिल्कुल समझ नहीं पाए बल्लेबाज, पूरी तरह से बीत हुए। अठारह ओवर समाप्ति के बाद है टीम का स्कोर 145, लॉस्ट ऑफ सिक्स। कुछ समय पहले ऐसे लग रहा था कि 120 या 130 तक जा पाएंगे, मगर त्रिची सोनम की हमने अच्छी बल्लेबाजी देखा और टीम का स्कोर अब लगभग 150 का आंकड़ा छूने को है। खराब गेंद ये, जी हाँ, डिजाइन व्हाइट का इशारा। मैच नंबर 14 का पहला मैच पंजाब टाइटंस बनाम पापम रॉयल्स के बीच, और इस मैच का अंपायरिंग कर रहे हैं तेई कान्या और ताजिंग ताकर। एक रन जरूर चुराएंगे। और इस मैच का तर्द अंपायर के रूप में मौजूद है कारा रई, अनुभव की कमी नहीं इन तीनों अंपायर के पास। जी हाँ, खूबसूरत ये गेंद, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजी को, अपना आखिरी ओवर डाल रहे हैं। राम सारे की यादव, तेज गति के साथ डाली इस गेंद को और विकेट की पूरी तरह से चूक गए। देखना होगा रिप्ले में। गेंद हवा में जरूर, मगर एक सौ पचास का आंकड़ा छू चुका है पंजाब टाइटंस। 6 विकेट गवा कर इस बार भी डिजाइन, यहाँ व्हाइट का इशारा। दिन का दूसरा मैच आज खेला जाएगा, मैच नंबर 15, लालाने किंग्स बनाम तानी हंटर्स के बीच। पाइन केला है और फील्डर तैनात नहीं, सीमा रेखा के बाहर ये 4 रन।
जी हाँ, खूबसूरत ये शॉट, केवल दिशा दिखा दी और फील्डर्स के साथ कोई मौका नहीं। मैंने पहले भी कहा था इस टीम के पास वो क्षमता है, 250 जैसे टारगेट सेट कर सकते हैं ये टीम पंजाब टाइटंस। बहुत ही लंबी बैटिंग लाइन है, वो खूबसूरत शॉट ये लॉन्ग ऑन की दिशा में, 6 रन मिलेंगे। करारा प्रहार किया, जबरदस्त ये शॉट, फील्डर्स बस देखते ही रह जाएंगे। जिस समय रन की जरूरत थी और आए भी, खूबसूरत ये शॉट, फिर से खेल दिया है। जी हाँ, कोई मौका नहीं, इस बार भी देखते रह जाएंगे। फील्डर यहाँ लगातार 2 चक्के आ चुके हैं, तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और ज्यादा ताकत लगाना नहीं पड़ा इस शॉट को खेलने के लिए। खूबसूरत ये प्लिक प्लिक ऑफ द रिस्क एंड 19 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 171, लॉस्ट ऑफ 6 विकेट। आखिरी ओवर डालेंगे, पहला इनिंग का तना तेती, अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है, 3 ओवर में मात्र 9 रन दी और 1 विकेट चटकाए। और पिछले ओवर में हमने देखा खूबसूरत शॉट्स, पवन के बल्ले से 17 रन बना चुके हैं 6 गेंदों का सामना करके। मैं पहले ही कह रहा था ये टीम 250 का आंकड़ा आसानी से बना सकते हैं, अगर अगर सब बेट्समैन चल जाए ना तो ये टीम 300 रन भी बना सकते हैं। मगर आज किसी तिकू को हमने नहीं देखा बल्लेबाज करते करने को आते हुए, क्योंकि खेला है 1 रन जरूर चुराएंगे। पंजाब टाइटंस के चाहने वाले जो भी इस मैच को देख रहे हैं उनको तो सोचने में मजबूर कर दिया है किसी तिकू ने। क्या वो इस मैच को खेल भी रहे हैं, क्या इस मैच का वो कप्तान कर रहे, कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि अब तक उनको बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा। और शायद उनका आना जरूरी भी नहीं था क्योंकि अच्छी खासी स्कोर बन चुके हैं अब। जी हाँ, 1 रन जरूर चुराया। पवन और प्रदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ पहले ओवर में हमने देखा लगातार दबाव बनाए रखे थे पपन रॉयल्स ने, मगर तिची सोनम ने प्रेशर रिलीज की, खूबसूरत पारी खेला, 70 रन बनाए। पुल करना चाहा, फील्डर मौजूद, तिची अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, इकोनॉमी काफी बेहतरीन बेहतर तिची तना तेती का, रन आसानी से नहीं देते बल्लेबाजी को। और अब अपना आखिरी ओवर डाल रहे हैं, पहला इनिंग का ये आखिरी ओवर तना तेती डाल रहे हैं। पुल करना चाहता मगर ब्रिज से कनेक्शन नहीं और डॉट गेंद।
दर्शकों मैं बता दूं, पुंगते रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी है pungmipungterisort@gmail.com। खूबसूरत ये गेंद, फिर से कोई मौका नहीं देंगे बल्लेबाज को। हमें लग रहा था लगभग 190 का स्कोर बनेगा, मगर खूबसूरत गेंदबाजी है थाना तेती का, रनों को रोका। जिस तरह से पवन बल्लेबाज कर रहे थे, बल्ला चला रहे थे, उनको देख के हमें लगा कि 190 का टारगेट आसानी से सेट कर देंगे, मगर खूबसूरत गेंदबाजी तेती का। इस बार कनेक्शन अच्छा जरूर, मगर फील्डर मौजूद, या 2 रन की मांग की है और चुरा भी लेंगे, और इसी 2 रन के साथ पहला इनिंग की समाप्ति। पंजाब टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला की और 176 रन बनाए 6 विकेट गंवाकर 20 ओवरों में, और खूबसूरत ऑडियंस का नजारा। तानी हंटर्स के टीम मैनेजर इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। दर्शकों कहीं ना जाइएगा, कुछ ही मिनटों बाद हमारी दूसरी इनिंग शुरू किया जाएगा, तो आप लाइव में बने रहेगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल। क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड। और अंपायर तैयार, तेंजिंग ताकर और प्रोबो। मैदान में तैयार तिची दोरिया अपने टीम को लीड करेंगे। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज भी मैदान के अंदर। ड्राइव किया है,
और कोई गलती नहीं करेंगे इस बार, फील्डर मौजूद जरूर थे। कट किया है पॉइंट की दिशा में, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे संगम लोमा। जी हाँ, इस बार कोई मौका नहीं, पर इस बार गलती नहीं करेंगे। ये देखिए, खराब गेंद और सीधा बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट आना चाहिए, क्योंकि और यहां उतार दिया, इस बार सीधा खेला है। पुरतोस गेंद और कोई मौका नहीं फील्डर्स के पास, सीधा खेल दिया, कोई मौका नहीं। मिड विकेट की दिशा पर फील्डर तैनात नहीं, हल्के हाथों से खेला मगर 4 रन। यहाँ बहुत ही पाइन, मगर फील्डर भी, फील्डर मौजूद, इस बार गलती नहीं किया है, सीधा खेला है, कोई मौका नहीं फील्डर्स के पास। यहाँ कोई गलती नहीं, खूबसूरत ये शॉट बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट कर, इस बार विकेट कीपर के कोई मौका नहीं इस बार दी फील्डर का। ये देखिए, जरा मजा आ गया इस शॉट को देखकर तो, मगर यहां सीधा क्लीन बोल्ड, तेज गति के साथ डाली इस गेंद को और तानी हंटर्स के बीच, पाइन केला है और फील्डर तैनात नहीं, बहुत ही लंबी बैटिंग लाइन है। वो खूबसूरत शॉट ये लॉन्ग ऑन के दिशा, फिर से खेल दिया है। जी हाँ, कोई मौका नहीं, इस बार भी देखते रह जाएंगे।
स्वागत है फिर से इनिंग्स ब्रेक के बाद। सलामी बल्लेबाज के रूप में युवा खिलाड़ी तिची तादो मात्र 15 वर्ष के हैं और नॉन स्ट्राइक एंड पे तिची धोरिया, इनके बारे में तो क्या ही बताएं। पहले इनिंग में हमने देखा पंजाब टाइटंस को बल्लेबाजी करते हुए तो जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 176 रन बनाए और यहाँ से ये लंबा लक्ष्य पफूम रॉयल्स के लिए और सलामी बल्लेबाजी के रूप में तिची तादो और रुचि धोरिया आए। पहला गेंद ओवर ये पहला दूसरा इनिंग का पवन लेके आए हैं, खूबसूरत चक्के लगाते हुए हमने देखा। अब गेंदबाजी में कैचित की मांग की, तर्नमैन मौजूद भी थे मगर कोई मौका नहीं। पहला ही गेंद 4 रन के साथ, मगर अगर यहां जी हाँ कोई मौका नहीं, 4 रन मिलेंगे और इसी 4 रन के साथ अपना खाता भी खोला तादो। युवा खिलाड़ी मात्र 15 वर्ष के और पंजर पपुम रॉयल्स के लिए सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए हैं। खूबसूरत ये गेंद पूरी तरह से बीत हुई, तेज गति के साथ डालते हैं, अच्छी गेंदबाजी। पहला ही बॉल चौका के चौका निकला मगर दूसरी गेंद अच्छी कमबैक। इस बार भी कैच का मौका हो सकता था मगर सेकेंड स्लिप तैनात नहीं थे, दो रन जरूर चुराए मगर तर्दमेन की दिशा पर अच्छी फील्डर तैनात। पर स्लिप्स और विकेट कीपर के बीच से निकला ये दो रन चुराए, अगर यहाँ सेकेंड स्लिप तैनात होता तो शायद तिची तादो को लौटना होता। टाइप कर दिया मगर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। तिची तिक्कू मौजूद है जी हाँ, पंजर टाइटंस के टीम को चाहने वाले को तो कुछ ऐसा लग रहा था कि तिची तिक्कू इस मैच को नहीं खेल रहे क्योंकि बल्लेबाज करने नहीं आए थे, मगर उनका आना जरूरी भी नहीं था शायद। खूबसूरत ये शॉट, अच्छी फील्डिंग वहा और इस बार भी दो रन मिले। रूम मिला और पॉइंट की दिशा पर कट किया था। अब तक 8 रन आ चुके हैं। खूबसूरत ये गेंद, बाल बाल बचे यहां था दो विकेटों से टकराते बचे, गोली की रफ्तार से निकली, पूरी तरह से बीत हुए मगर तारीफ करना होगा पवन का, खूबसूरत गेंदबाज। ओवर की समाप्ति, एक ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान।
नाव ऑफ इंडिया सामना करेंगे तिची दोरिया। अच्छा गेंद और पूरा सम्मान दिया दोरिया ने। ये खिलाड़ी अगर क्रीज पे टिका रहा तो मैच का रूप कभी भी किसी भी हालत में भी पलटने का क्षमता रखता है। देखिए कोई मौका नहीं, कट किया पॉइंट की दिशा पर और तर्दमैन ने कल किया। पवन तैनात है तर्दमैन की दिशा पर और एक रन चुराए। नाबम इंडिया अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तराशू सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए काफी सारे विकेट चटका चुके हैं और अंडर 19 कोच बिहार जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी खेल चुके हैं और उनके खिलाफ बल्लेबाजी करेंगे तची तादो। अच्छा गेंद और बेहतरीन गेंदबाजी। वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स का लक्ष्य है और दोरिया का साथ देना होगा तची तादो को, क्योंकि खूबसूरत ये शॉट खेला है। चौके के लिए निकल जाएंगे 4 रन। खराब गेंद और पूरा दिशा दिखा दी। चार रन मिला। तेरह रन आ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ एक रन चुराना चाहते थे और चुरा भी लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पूमी पुंगते रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल आईडी है पूमी पुंगते रिजोर्ट @gmail.com। कदमों का इस्तेमाल किया पॉइंट की दिशा पर खेला है। आसानी से एक रन चुराएंगे और इसी एक रन के साथ दूसरा ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर हैज बिन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 15 रन, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। और ये चौका तिची दोरिया के बल्ले से। 176 का लक्ष्य तिची दोरिया के लिए कोई बड़ा बात नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है आसानी से चेस करते हैं इस तरह के लक्ष्य को तिची दोरिया जब भी बल्लेबाज करते हैं। पवन अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं और पहला ही गेंद में चौका।
यहाँ ची दोहरे कदमों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करते हैं, और खराब गेंद और सीधे बाउंड्री के बाहर तकदील करेंगे। जानते हैं दोहरिया यहाँ से रेस्ट्रिक्शंस ओवर का तो लाभ अच्छी तरह उठाते ही हैं ये बल्लेबाज। और जी हाँ, करारा प्रहार करना चाहते थे मगर अच्छी गेंदबाजी पवन द्वारा। खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं, पॉइंट के ऊपर से 4 रन मिलेंगे। जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल किया और सीमा रेखा के बाहर ये 4 रन। खूबसूरत बल्लेबाजी। मैं बता दूं, तिची दोरिया एकेडमी भी चलाते हैं, तिची दोरिया क्रिकेट एकेडमी। अब उनका प्री कंडीशनिंग कैंप चल रहा है, अगर जो भी युवा खिलाड़ी उनके कैंप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्री कैंप चल रहा है। बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है तिची दोरिया का अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, क्योंकि खुद जानते हैं खिलाड़ी हैं और अपने प्रदेश के लिए जितना हो सके युवा खिलाड़ी तलाशते हैं। और इस समय उनका प्री कैंप चल रहा है, दोरिया क्रिकेट एकेडमी नाहरलगन ए सेक्टर पे मौजूद है। खूबसूरत गेंद और उतनी ही शानदार बैटिंग, 1 रन जरूर चुराएंगे। जी हमें कह रहा था, आप प्री कैंप कंडीशनिंग कैंप को ज्वाइन करने के लिए आप सीधे तिची दोरिया से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। खूबसूरत गेंद और शानदार तरीके से खेला। इसी के साथ तीसरा ओवर की समाप्ति। 3 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 24 रन, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे मगर रूम नहीं दिया नाबाम इंडिया ने। अच्छी गेंदबाजी, 1 रन जरूर चुराया यहाँ, माफी चाहूंगा 2 रन। यहाँ 2 रन आए, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच में। खूबसूरत तरीके से खेला है, जरूर 1 रन चुराएंगे। जी हाँ, आप बैनर में देख सकते हैं अरुणाचल कॉर्निकल्स जिन्होंने स्पॉन्सर किया, और एनजे एनजे का क्रिकेट क्लब मौजूद है। आप जुड़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ड्राइव किया है, खूबसूरत ये ड्राइव मगर आउटफील्ड काफी स्लो।
तीन रन जरूर चुराए यहाँ। खूबसूरत फील्डिंग, और अब स्ट्राइक में तिची दोरिया। पूरा मूड में नजर आते हुए, एग्रेसिव के मूड में पूरा दिखे तिची दोरिया, क्योंकि जानते हैं रेस्ट्रिक्शन ओवर चल रहा है, तो पूरा लाभ उठाने की कोशिश। अगर पंजर टाइटंस दोरिया का विकेट चटका देते हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, कि जब तक ये किनारे क्रीज पे मौजूद है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, फील्डर तैनात है, एक रन चुराना चाहते थे, डायरेक्ट हिट होता तो यहाँ कुछ भी हो सकता था। इस तरह की जोखिम नहीं लेना चाहिए तिची तादो को, और सुमन मौजूद थे, और खूबसूरत थ्रो, मगर डायरेक्ट हिट होता तो और बेहतर है। ये देखिए खूबसूरत थ्रो, अगर यहाँ डायरेक्ट हिट होता तो पहला विकेट मिलता और तिची तादो को लौटना होता। पुंगमी पुंगते रिजोर्ट, इस रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी पुंगमी पुंगते रिजोर्ट @gmail.com में जाके भी। और ये रिजोर्ट जोते पोमा संगदू पोता सर्कल में है, तो आप इस रिजोर्ट को विजिट कर सकते हैं जाके। और देख सकते जी तदो का बल्ला अब भी क्रीज पे, क्योंकि एक रन जुटाने की कोशिश चाहते थे सुमन वहां तैनात थे। यहाँ तदो शायद वो खूबसूरत रो, मगर डायरेक्ट हिट होता तो जी हाँ, यहाँ तदो शायद हल्की सी चोटिल हुई और ये खतरा भरा रन, जोखिम भरा रन चुराने की कोशिश की। माबम इंडिया क्या चित की मांग की है, क्या फील्डर मौजूद है? बाल बाल बचे, यहां फील्डर तैनात नहीं, उतार खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से। और इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति, 4 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 33 बिना किसी विकेट के नुकसान। चार ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 33 एक विकेट बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद तिची दोरिया क्रीज पे मौजूद। और मैंने पहले भी बताया है, तिची दोरिया अपना एकेडमी भी चलाते हैं, दोरिया क्रिकेट एकेडमी,
आप विजिट कर सकते हैं, ए सेक्टर नाहरलगुन पे मौजूद है। अब प्री कैंप चल रहा है दोरिया क्रिकेट अकेडमी, तो कोई भी युवा खिलाड़ी जो इंटरेस्टेड है क्रिकेट सीखना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। कट किया पॉइंट की दिशा पर, मगर फील्डर से चूक हुई और सीमा रेखा के बाहर, ये खूबसूरत शॉट, 4 रन मिलेंगे। ये कदमों का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं दोरिया, और गोली की रफ्तार से ये शॉट निकली, मगर रोकना चाहिए था फील्डर को, कि पॉइंट की दिशा पर फील्डर इसीलिए तैनात की जाती है, वहाँ इसी तरह की तेज। और फिर से कोई मौका नहीं इस बार, तो खूबसूरत ये ड्राइव, तकम आए थे गेंदबाजी करने, और दूसरा लगातार बैक टू बैक चौका। बैक टू बैक यहाँ चौका लगा दिया था चिदोरिया ने, आते ही 4 रन के साथ स्वागत किया, और उनके दूसरे ही गेंद में भी 4 रन, पूरी तरह से हावी गेंदबाजी के ऊपर। जी हाँ, तिची दोरिया का T20 करियर बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करती है, फॉर्मेट के हिसाब में बल्लेबाजी करते हैं, और अगर उनको आप टेस्ट मैच में देखेंगे तो बिल्कुल ही अलग ही तरीके से बल्लेबाज करने लग जाते हैं। बेहतरीन डोमेस्टिक सीजन गुजरा है तिची धोरिया का, पुल करना चाहते थे यहाँ, मगर कंफर्टेबल नजर नहीं आए। अच्छी कमबैक इस बार तकम द्वारा, ये 5वां ओवर चल रहा है और 42 रन आ चुके हैं, पूरा लाभ उठाते हुए रेस्ट्रिक्शन ओवर का। जरूर यहाँ 1 रन चुराएंगे, और दिशाएं भी वाइड का इशारा, दोरिया का स्ट्राइक पे आना बहुत ही जरूरी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ओवर चल रहा है, और दोरिया रेस्ट्रिक्शन ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करना है उनको पता होता है। दो रन की मांग की है, और यहां देखना जरूरी है, शायद विकेट कीपर बॉल कलेक्ट नहीं किए, कलेक्ट होता तो यहाँ रिप्ले में हम जरूर देखेंगे, क्या अगर यहाँ विकेट कीपर बॉल कलेक्ट करता तो। जी हाँ, यहाँ जरूर आउट होते अगर बॉल कलेक्ट हो जाते तो, मगर अंतिम वक्त में बॉल टप्पा खाकर विकेट कीपर से दूर और कलेक्ट नहीं कर पाए। ये देखिए पूरी तरह से हावी गेंदबाजी के ऊपर, पुल कर दिया 4 रन के लिए। खास तौर पर रेस्ट्रिक्शन ओवर जब चल रहा हो तो उनका स्ट्राइक पे होना जरूरी, क्योंकि ये खिलाड़ी है लाजवाब, और स्ट्राइक रेट लगभग 200 का 30 रन बना चुके हैं मात्र 16 गेंद में। 5 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पूरा 50 और बिना किसी विकेट के नुकसान। एक अच्छी शुरुआत थी, सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे तिची दोरिया,
और तादो खास तौर पे दोनों ही बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत दी थी और 50 रन आ चुके हैं केवल 5 ओवर में, और ये आखिरी ओवर होगा रिस्ट्रिक्शंस का। गेंदबाजी करेंगे प्रदीप, अपना पहला ओवर डालेंगे। कट किया है मगर सीधा पिलर के हाथों, कोई रन नहीं। ये आखिरी ओवर है रेस्ट्रिक्शंस का, तो देखना होगा कितना लाभ उठा पाएंगे। पूरी तरह से बीत हुए। जी हाँ, दोरिया का स्ट्राइक में आना जरूरी, और तादो को ये कोशिश करना होगा कि दोरिया को स्ट्राइक में लाए और आखिरी ओवर का रेस्ट्रिक्शन का पूरा लाभ उठाने दे। इस बार भी कोई मौका नहीं, 3 लगातार दो गेंदे पूरी तरह से हावी बल्लेबाजी के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी अब तक, 3 दो गेंदे। अपील है LBW का मगर इंटरेस्टेड बिल्कुल नजर नहीं आए। जी हाँ, यहाँ देखना होगा रिप्ले में। यहाँ पिचिंग भी लाइन में नहीं और इंपैक्ट भी लाइन में नहीं, कट कर दिया है यहाँ। क्या ये? जी हाँ, चौका। नाकुश, अपने फील्डर से रोकना चाहिए था शायद इस, मगर रोक नहीं पाए। लगातार 3 दो गेंदे के बाद एक पापी चाहूंगा लगातार। चार दो गेंदे के बाद एक चौके आए। खूबसूरत गेंदबाजी, और इसी के साथ रेस्ट्रिक्शंस ओवर की समाप्ति। 6 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 54 बिना किसी विकेट के नुकसान, मात्र 4 रन आए इस ओवर से। छः ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 54। अब चाहे पपुम रॉयल को 123 रन इन 84 बॉल्स। गेंदबाजी में फिर से देखेंगे। नवम तकम पहला ओवर 17 रन दी थी, अब देखना होगा अपना दूसरा ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। कैचित की मांग, यहां बाल बाल बचे, या आप दो दुम तैनात थे और खूबसूरत चलांग लगाया। देखना होगा रिप्ले में। जी हाँ, खूबसूरत पिल्डर बिल्डिंग मगर लपक नहीं पाए, अच्छी कोशिश जरूर की। आसान नहीं होते इस तरह के कैचेस लपकना, मगर एपर्त यहाँ खूबसूरत या दो दो द्वारा। अब स्ट्राइक में फिर से चिता दो, 22 रन बना चुके हैं 20 गेंदों का सामना करके।
खराब गेंद, ये दी साइन, वाइड का इशारा। बाएं हाथ के बल्लेबाज ये युवा खिलाड़ी अक्सर बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंदबाजी डालने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। सीधा बल्ला से खेलना चाहा मगर एज लगा और एक रन जरूर छुआ। जी हाँ, अक्सर बाएं हाथ के बल्लेबाजी को गेंदबाजी थोड़ी सी दिक्कत जरूर होते हैं डालने में, और एडवांटेज बहुत रहता है उनके पास, तो उनका पूरा लाभ उठा रहे हैं यहाँ चिता दो। कोई मौका नहीं देना चाहते गेंदबाजी को सेट होने में। तिची दोरिया का ये चौका फिर से, ये देखिए एक क्रॉस आई और मिड विकेट की दिशा पर खेला इस शॉट को। खत किया है मगर फील्डर तैनात, कोई रन नहीं। पुंगमी पुंगते रिजोर्ट, इस रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैच की मांग मगर कोई सारा नहीं। जी हाँ, अच्छी रन रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अच्छी बल्लेबाजी की है, रेस्ट्रिक्शंस का पूरा लाभ उठाया थे चिदोरिया ने। कदमों का इस्तेमाल इस बार भी, और कवर्स के दिशा, एक्स्ट्रा कवर्स के दिशा पर फील्डर तैनात, एक रन चुराया और इसी एक रन के साथ सातों ओवर की समाप्ति। सेवन ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर 62 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पिछले ओवरों में खूबसूरत गेंदबाजी की थी, और अब अपना दूसरा ओवर डालेंगे। मात्र 4 रन दी थी। ओह, यहां दोरिया कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और उतनी ही शानदार गेंदबाजी। दोरिया चेरकानी नहीं की और जानते थे अच्छी गेंदबाजी। रूम बनाया खुद के लिए और मिड विकेट की दिशा पर खेला है एक रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी, दो गेंद डाल चुके हैं। जब रेस्ट्रिक्शन ओवर चल रहा होता है तो तिची दोरिया का स्ट्राइक रेट देखने लायक होता है।
पूरी तरह से बीत की हुए। अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पिछले ओवर में हमने देखा प्रदीप तदों के ऊपर हावी हुई थे और फिर से वही कर रहे हैं। यहाँ जबरदस्त अपील है। देखना होगा यहाँ, खूबसूरत गेंद, अपील जबरदस्त जरूर है। जी हाँ, अच्छी अंपायरिंग है, कोई चूक नहीं करेंगे अंपायर, क्योंकि ये पिचिंग आउटसाइड था। जी हाँ, पूरी तरह से बीत हुए फिर इस बार भी, और इस अपील भी की मगर मगर कोई इशारा नहीं। अच्छी विकेट कीपिंग और लगातार दबाव बनाए तिची तदों के ऊपर प्रदीप ने, कोई मौका नहीं दे रहे हैं उनको बल्लेबाज हाथ खोलने का। एक रन आए मात्र इस ओवर से, लगातार दो गेंदे और ओवर की भी समाप्ति। 8 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 63 बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद। खूबसूरत है गेंदबाजी, पिछले ओवर में देखा पूरी तरह से दबाव में डाला बल्लेबाज के ऊपर, और अब पपुम रॉयल्स को चाहिए 114 रन इन 72 बॉल्स, और तिची दोरिया क्रीज पे मौजूद है, तो चिंता की कोई बात नहीं पपुम रॉयल्स के टीम के लिए, क्योंकि ये खिलाड़ी है बड़ा जबरदस्त, इनका क्रीज पे टिका रहना बहुत जरूरी होगा। की मांग मगर गौतम आए हैं, पहला ओवर डालेंगे इस बार। पहला इनिंग में बल्लेबाजी में हमने कुछ खास नहीं कर पाए, अब देखना जरूरी किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, ये डिजाइन गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया गेंदबाजी ने, देख ली और कोई मौका नहीं देने देना चाहते थे, और डिजाइन गेंद यहाँ। सीधा बल्ला से रोका, पहला इनिंग में हमने देखा तिची सोनम की जबरदस्त पारी, 70 रन बनाए, स्ट्राइक के लगभग 250 का हो चुका था उनका, एक समय तो ऐसे लग रहा था कि 100 रन बना देंगे। जी हाँ, गेंदबाज यहाँ हाथ खोलने का मौका नहीं देना चाहते, और लगातार ये निशाइन वाइड का इशारा। अपना अर्ध तक जा रहा था तिची सोनम ने, मगर कट किया है पॉइंट की दिशा पर, जरूर एक रन चुराया इस बार। जी हाँ, हम बात कर रहे थे तिची सोनम के अर्ध तक के बारे में, कुछ नजर नहीं आए वो अर्धशतक लगाकर। अक्सर हमने देखा बल्लेबाजी को अर्धशतक लगाकर बौखलाए जाते हैं, मगर सोनम को हमने कहीं भी वो खुशीजनक नजर नहीं आया। अच्छी बल्लेबाजी की थी और टीम को एक अच्छी टारगेट तक पहुंचाया, 176 बनाने में सफल हुए थे।
पूरी तरह से बीत हुए, इस बार भी चिता दो गौतम अच्छी गेंदबाजी। सिंगल्स भी आसानी से देना नहीं चाहते शायद, यहाँ गौतम अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक्सपीरियंस है, कमी नहीं उनके पास एक्सपीरियंस की। खेल दिया है पिल्डर स्पीचे, यहाँ आउट पिल काफी स्लो और 2 रन चुराया। पंजर टाइटंस के अगर हम बैटिंग लाइनअप्स में नजर डालें तो ये टीम ऐसा टीम है जो 250 का टारगेट भी सेट कर सकता है, मगर आज उनकी बैटिंग लाइनअप में हमने खूबसूरत ये शॉट, फील्डर तैनात, इस बार भी 2 रन जरूर चुराएंगे। इसी तरह की 1 रन, 1-2 रन बनाना होगा और टीम का स्कोर बोर्ड में रन जोड़ने होंगे। 9 ओवर्स की समाप्ति, 9 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 70 बिना किसी विकेट के नुकसान, और ये कुछ खबर पापुम रॉयल्स के लिए, खास तौर पे तिची दोरिया क्रीज पे मौजूद हैं, उनको संभाल के खेलना होगा क्योंकि जब जब तिची दोरिया आउट हो जाते हैं तो टीम पूरी तरह से बिखर जाते हैं। और पिछले मैच में 115 का टारगेट को भी चेस नहीं कर पाया था तिची दोरिया के आउट होने के बाद, तो आज उनका संभाल के खेलना जरूरी होगा और वो खुद भी जानते हैं, अनुभव खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में फिर से प्रदीप अच्छी गेंदबाजी की है, अब तक 2 ओवर डाल चुकी है, मात्र 5 रन दी और अपना 3रा ओवर डालेंगे। जी हाँ, खूबसूरत ये गेंद, और दोया 1 रन के लिए खेलना चाहते थे मगर कोई रन नहीं। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया मगर चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं प्रदीप, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, दोरिया को समझना होगा। इस बार स्वीप करना चाहते थे और प्रदीप वही करना चाहते थे जो पिछले ओवरों में किया, मगर इस बार दोरिया ने उनको चकमा दिया। जी हाँ, पूरा 5 रन मिलेगा यहाँ, डिजाइन भी और यहाँ गेंदबाजी और विकेट कीपिंग की मैं क्या बोलूँ, रोकना चाहिए था मगर आसान भी नहीं होते इस तरह की गेंद को रोकना, मगर उनको रोकना चाहिए था क्योंकि रन लीक हो रहे हैं, यहाँ से 10 रन आ चुके हैं, 1 रन जरूर चुराएंगे। बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं मगर गेंदबाज और विकेट कीपिंग यहाँ बार बार रन दे रहे हैं। लटकाई गई गेंद मगर लाभ नहीं उठा पाए थे चीता दो, चीता दो अब तक कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही, उनके बल्ले में उनके बल्ले से वो कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो उनको इस स्थिति में तिची धुरिया को स्ट्राइक पे रखना होगा। ओहो, करारा प्रहार करना चाहते थे मगर
लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, लॉन्ग ऑन की दिशा पर फील्डर मौजूद एक रन चुना है। इस बार भी दो गेंद, ओवर की समाप्ति। 10वां ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 83 बिना किसी विकेट के नुकसान है। दोरिया 40 रन बना चुके हैं 30 गेंदों का सामना करके, और तिची तादो 28 रन 30 गेंदों का सामना करके। दोनों ही बल्लेबाज 30 30 गेंदों का सामना कर चुके हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ से, दोरिया जानते हैं किस तरह से खेलना है और उनके साथ दे रहे हैं युवा खिलाड़ी तिची तादो को भी उनका साथ देना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। क्रीज पे टिका रहना जरूरी दोनों ही बल्लेबाज को, और गौतम आए हैं अब गेंदबाजी करने। चतुराई के साथ डाली है गेंद और हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। अब यहाँ से रन को किस तरह से मेंटेन करेंगे दोनों बल्लेबाज ये देखना बहुत ही जरूरी हो, क्योंकि अब तक अच्छी रन रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब गौतम अपना दूसरा ओवर डालेंगे, अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवरों में, और अब सामना करेंगे तिची तादो। 93 रन चाहिए इन 59 बॉल्स। रनों की गति खराब, गेंद ये और विकेट कीपर के पीछे से ये 4 रन। साथ ही साथ डिजाइन भी खराब, गेंद और पूरा 4 रन मिलेंगे। डिजाइन के साथ वाइड का इशारा, पूरा 5 रन आए। यहाँ फिर से वो कनेक्शन नहीं है, बार बार बल्ले के अंदूरी किनारा लग रहा है तिची तादो के बल्ले से, और 1 रन चुराए। और अब स्ट्राइक में तिची दोरिया आए हैं। मैंने पहले ही बताया पुल करना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल की और खूबसूरत ये गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दिया। दोरिया अंपायर से पूछ रहे हैं क्या ये बाउंस, पहला बाउंस नहीं दिया जा सकता, मगर कोई इशारा नहीं। हल्के हाथों से खेला है, जी हाँ कोई मौका नहीं, बिल्डर्स के देखना होगा इसको, 4 रन मिलेंगे। रिप्ले में हम जरूर देखेंगे ये चौका कैसा निकला। जी हाँ ये बिल्डर के बीचों बीच से निकला, खूबसूरत गैप में खेला गया शॉट, कोशिश भी नहीं की मगर खूबसूरत ये शॉट, गैप ढूंढा और 4 रन बतोरा, और इसी 4 रन के साथ तिची दोरिया का 45 रन।
कदमों का इस्तेमाल किया है और कवर्स की दिशा पर ड्राइव किया। फील्डर भी तैनात, 2 रन चुराए। अच्छी बल्लेबाजी की तेजेंद्र ने, रन रेट को खूबसूरत अंदाज में बरकरार रखा है। रिक्वायर्ड रन रेट है 8.8 का और करेंट रन रेट है 8.9 का। जी हाँ, बार बार यहाँ कदमों का इस्तेमाल, मगर इस बार डिसाइड वाइड का इशारा, गेंदबाज भी दबाव में दिख रहे हैं। 47 रन पे पहुंच चुके हैं तिची धोरिया, मात्र 3 रन दूर अपने अर्धशतक से। पुंगमी पुंगते रिजोर्ट, इस रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस बार कोई गलती नहीं, पुल कर दिया, सीमा रेखा के बाहर। ये 4 रन, खूबसूरत शॉट, इसी शॉट के तलाश में थे तिची दोरिया और गौतम ने गलती की और पूरा लाभ उठाया। मैंने पहले ही कहा था, पंजोर टाइटंस एक ऐसा टीम है जो 250 का आंकड़ा चू सकता है, मगर आज बैटिंग ऑर्डर में हमने चेरकानी देखा और शायद भुगतेंगे भी इस मैच में। तिची खास तौर पे जब तिची दोरिया के खिलाफ आप खेल रहे हो तो आपको सीरियस अंदाज में खेलना होगा, क्योंकि स्वागत है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। 11 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 101 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। प्रदीप आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे तिची तादो। अच्छी गेंदबाजी जरूर की अब तक। यहाँ यहाँ
पुल करना चाहते थे मगर उतना कनेक्शन नहीं मिला। 76 रन चाहिए इन 53 बॉल्स। इस बार भी लाभ नहीं उठा पाए, मात्र एक रन चुराए। अब सामना करेंगे तिची दोरिया। कट कर दिया है, फील्डर तिची तीकू मौजूद कबर्स की दिशा में। ये दिशाएं जब तिची दोरिया स्ट्राइक पे आते हैं तो गेंदबाजी के ऊपर हमने वो दबाव देखा है, पूरे हावी हो जाते हैं गेंदबाजी के ऊपर। जी हाँ, ये और एक डिजाइन गेंद, वाइड का इशारा। बैक फुट पे जाके कट कर दिया है और इसी एक रन के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया है तिची दोरिया ने। उतार दिया है पॉइंट के ऊपर से, एक रन चुराए, माफी चाहूंगा दो रन चुराए। डिजाइन वाइड का इशारा, कुछ समय पहले से हमने बल्लेबाजी देखा, दोनों ही बल्लेबाजी का बल्लेबाजी यहाँ भी कनेक्शन नहीं तची तंदों के बल्ले से। बार बार बल्ला जरूर चला रहे मगर, और 35 बॉल्स खेल चुके हैं तो तची तंदों को सेट हो जाना चाहिए, मगर अब भी संघर्ष कर रहे हैं बाउंड्री के लिए। बारह ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 109 बिना किसी विकेट के नुकसान। तिची दोरिया 52 रन बना चुके हैं 37 बॉल का सामना करके, और तिची तादो 33 रन इन 35 बॉल्स। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आए थे और अब भी क्रीज पे नाबाद। करेंट रन रेट 9.1 का और रिक्वायर्ड रन रेट है 8.5 का। इस बार कनेक्शन क्या बेहतर है। जी हाँ, ये सीमा रेखा के बाहर 6 रन, तिची तादो का इस बार खूबसूरत शॉट। संघर्ष किया मगर इस बार दीप मित विकेट पर उतार कर खेला 6 रन के लिए।
अब 62 रन चाहिए इन 47 बॉल्स। खुद पे जाके खेला है, फील्डर मौजूद, 1 रन चुराया। अब 61 रन चाहिए इन 46 बॉल्स। पुल टॉस गेंद, जी हाँ, 1 रन के लिए खेला, आसानी से चुरा लिया। अब मात्र चाहिए 60 रन इन 45 बॉल्स। पुल टॉस गेंद, मगर पैसे यहां लाभ नहीं उठा पाए। जी हाँ, ये दीप स्क्वायर लेग की दिशा पर फील्डर तैनात, 1 रन चुराएंगे। उठाकर खेला, इस बार फील्डर मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर, ये 4 रन। और इसी 4 रन के साथ अब चीतादो का निजी स्कोर 44। 4 रन, मात्र 6 रन चाहिए। और 13 ओवर की भी समाप्ति, 13 ओवर हैज बिन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 123, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। पंजाब टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 176 रन बनाए। और अब पपू रॉयल्स चेसिंग करते हुए, अब 54 रन चाहिए इन 42 बॉल्स। 13 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 123, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। सीधा बल्ला से खेला है, 1 रन जरूर चुराए। इस बार कैचित की मांग है, इस बार भी बिल्डर मौजूद नहीं, बार बार यहां सोते लगा, प्रयास कर रहे हैं मगर अब तिची दो रहा स्ट्राइक में। हल्के हाथों से खेला, या अब दो दो मौजूद, 2 रन जरूर चुराएंगे।
कथकर किया था, मगर पॉइंट की दिशा पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। यह आसानी से एक रन दिए हुए थे। कैच की मांग की थी मगर गेंद कैरी नहीं की। बाल बाल बचे, यहाँ आसानी से कैच छोड़ देते, जीवन दान देते चीता दो को। बार बार संघर्ष कर रहे हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहा, बार बार बल्ला जरूर चला रहे, और यहाँ कैच लपकना चाहिए था, आसानी से कैच चोर बेते। खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डिंग, यहाँ इस कैच को पकड़ना चाहिए था, मगर इस तरह की कैचेस छोड़ेंगे तो आप मैचेस भी छोड़ देंगे। आज तो चीज हो रहा झगड़ा, मतलब जंगनाम पुनम रिनांग अंगना में काजू बलोदा। सारी रन पाई जीवा, मी तो चीज हो रहा सीजे क्रिस दावालो रन के इन्हें आदू उतारे मी डालिंग दुब लगे सो मैच जुताई दुब हे जंगता हुए अन्य हिजी कुमा एक रन पाई जितारी। इस तरह का स्कावर तो चीता दो, चीता दो हो इमी अनामस anyo ama tulang anyang dia jangan jitu matro ponro salbu imi ngete jangan nampan ame kabe tadi tasik mat belum sarma ka apa tu jangan jitu six nge kabe tasik mat ka jongul ka jitu ba tecita tu mi beto ke
होंगे 100 केराली ड्रिंक्स, केराली ड्रिंक्स स्पॉन्सर मन बो सो पूरा टूर्नामेंट सो इस तंगमो जीतू बे दिची दोरिया 50 एतरन मलाई को लारा क्रीज एदा पेज पर दिची दोरिया आउट मावालो पंजर ताइजिस ने जुती नहीं रंप दिसो मैच दिची तादो काजू के उस्तो जा रेल दो दू बोला मैं अन्या हिजी न्योकमा काजू के दागा में दापे सुपारा हिनी हिली सीजे पंद्रह ओवर हरिम को गन टीम स्कोर है 135 लॉस्ट ऑफ 0 विकेट तिची दोरिया मी 63 रन जंग चुको स्वीप में गेंद बा फील्डर ने दागा में दापे बा आराम से 1 रन पाइस था टूर्नामेंट नुल हुगलो कम होस्ट मनंग बलो कम www.pavilionplay.com बोलो हाला ही नुल कंटेक्ट मुद पर है ओके 41 रन लगे मात्रो 29 बॉल्स हो अपील गे तेवर कासु माधु सुगु कु दूंगी तो अंपायर गे इंटरेस्टेड कापा मा सोगे कादू रितारी मैनेजर पपुम रॉयल्स के बारी बारी से मुस्कुराता हुआ काज तो स्वीप मताबों यार माया तो नहीं बा स्टंपिंग है मगर में मुझे नहीं बा जे लपांगे उंगरंग में किसी उंगरंग में दो चिपा तो आउट जी कुछ चांसेस दो 41 रन लगे इन 28 बॉल्स हो सोगे मी स्पीड सो दूरी तारी पुंगमी पिंगतोरी पुंगते रिजोर्ट सो रिजोर्ट चंदुल बिजित मानंग बलो बोलो स्क्रीन वे निको वे फोन नंबर ही पे नम मुलो नुल फोन मुदु परे ओके ईमेल आईडी ने पुंगमी पुंगते रिजोर्ट एट द रेट जीमेल डॉट कॉम ओके सो मे चंदुल पविलियन टीवी यूट्यूब चैनल ओ लाइव का दु परे एक रन पाई तरी ओ एक रन हो गए केराली बिलम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सो हॉर्न बिल थी तो ट्रॉफी टूर्नामेंट सम इस तंगों जी दुबे पूरा स्पॉन्सर मुझ बने लो दोरिया गिरी चलो दापेर बोला रे एक बार कम कंफर्टेबल का पामा अन्या जा हिजी बा स्वीप सोता दुने आम 2 रन मलंग आराम से नागे नी बा दोरिया मी के पर्सनल स्कोर ने 66 पॉइंट दिशा तालो कत मगे नी बा डायरेक्ट रोल ओकम चांस मिचा दो जी गिनियो लेकिन हे नम पनम लखाज तो क्या रनिंग बिटवीन द विकेट जंगदुंग वो अन्या सो गए कांगम लोदा स्ट्राइक चीता दो
हरा हिली ही मीत उदू हिजी न्योकमा सो बार कम एक रन पाई जितारी ओ लगे ओवर की समाप्त 16 ओवर कंप्लीट 16 ओवर हरिम को कंग टीम स्कोर गे 141 लॉस्ट ऑफ 0 विकेट खूबसूरत ये शॉट और रोक नहीं पाएंगे इस शॉट को, सीमा रेखा के बाहर 4 रन और इसी 4 रन के साथ तिचिता दो ने अपना अर्धशतक पूरा किया। समय लिया जरूर मगर बेहतरीन पारी है तिचिता दो का। साथ दिया तिची दोरिया का और पारी दोनों ही सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और खूबसूरत पारी इन दोनों ही बल्लेबाज ने की, दोनों ही बल्लेबाज अर्श तक जर चुके हैं। अब तक का खूबसूरत पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाज के बीच में, दोनों ही बल्लेबाज ने कोई प्रेशर नहीं ली और आसानी से इस मैच को करीब तक लेके गया और शायद जीत भी जाएंगे अगर इसी तरह की बल्लेबाज करेंगे तो। अब मात्र चाहिए 31 रन इन 22 बॉल्स। अक्सर हमने देखा है जब जब इस तरह की स्थिति आ जाते हैं तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पुल करना चाहते थे, एक रन जरूर चुराएंगे। अब चाहिए मात्र 30 रन इन 21 बॉल्स। पुंगमी पुंगते रिजोर्ट इस रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ईमेल आईडी है पुंगमी पुंगते रिजोर्ट @gmail.com। और जितने भी दर्शकों को मैं बता दूं आज दिन का ये पहला मैच है, शानदार ये कट और कोई मौका नहीं फील्डर के बीचों बीच। चार रन बतोरा, केरेरा बेलम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में ड्रिंकिंग वाटर्स का स्पॉन्सर किया। तिची दोरिया अब बल्ला चलाना चाहते हैं, शायद पिछले ओवर में देखा हमने थोड़ी सी खामोश नजर आए क्योंकि वो जानते हैं उनको आखिर तक लेके जाना जरूरी है और एक अच्छी पारी खेल रहे हैं। इस बार फील्डर के हाथ कोई गलती नहीं करेंगे। नावों तक कम
17 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 151 बिना किसी विकेट के नुकसान। सलामी बल्लेबाजी के रूप में तिची दौरे और तिची तादो आए थे, दोनों ही ने अपना 8 शतक जरा, और तिची दौरे का 71 रन और तिची तादो का 54। खूबसूरत पार्टनरशिप। इस बार भी कोई कनेक्शन नहीं। अल्पावित हॉस्पिटल मेन रोड निर्जुली पफंबरे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, आप विजिट कर सकते हैं इस हॉस्पिटल। फिर से पुल करना चाहा था मगर 1 रन चुराया इस बार। और अब 25 रन चाहिए 16 गेंद में। जी हाँ, 25 रन चाहिए इन 16 बॉल्स। और स्ट्राइक पे अब तिची दौड़िया सेट बैट्समैन। बिल्डर मौजूद, जरूर 1 रन जरूर चुराएंगे। पंजोर टाइटन्स एक ऐसा टीम था जो 250 का टारगेट भी बना सकते थे, मगर बैटिंग लाइन में आज हमने देखा सही तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया है। बिल्डर तैनात, 1 रन जरूर चुराएंगे। तिची दोरिया फिर से स्ट्राइक में। मिड विकेट की दिशा पर कोई मौका नहीं फील्डर्स के पास। हाँ, अच्छा कोशिश नाबाम इंडिया द्वारा, मगर रोक नहीं पाएंगे। अक्रॉस द लाइन आए और स्लोक स्वीप किया डीप मिड विकेट की दिशा पर, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बेहतरीन शॉट तिची दोरिया के बल्ले से, खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी की आज। और इस बार भी मगर पिल्ला तेहना दुख, 1 रन चुराएंगे। अठारह ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 159 है बिना किसी विकेट के नुकसान। और तिची दोरिया 77 रन बना चुकी है और तिची तादो 56। अच्छी बल्लेबाजी की दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब तक क्रीज पे मौजूद। अब केवल चाहिए 18 रन 12 गेंदों में। पफुम रॉयल्स को चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 18 रन इन 12 बॉल्स। ओ, करारा प्रहार करना चाहा मगर उतनी ही अच्छी गेंदबाजी। क्या यहां से पंजोर टाइटन्स इस मैच को जीत पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की है तिची दोरिया तिची तादो ने, गेम को ऑलमोस्ट बना चुके हैं। चित की मांग, और यहां देखना होगा क्या ये चेहरा है। जी हाँ,
रन। खूबसूरत शॉट। जानते हैं इस समय अगर गेम आखिरी ओवर तक जाएंगे तो दबाव में होंगे, तो यहां से तिची दोरिया खत्म करने की कोशिश करेंगे। खूबसूरत शॉट फिर से, इस बार फील्डर मौजूद मगर लपक नहीं पाएंगे। चेरान इस बार भी, अब दो दो मौजूद जरूर थे। और इसी खूबसूरत यह शॉट फिर से पुल किया। और इस बार कैच का मौका बना मगर छिमा रेखा के बाहर। 4 रन, और इसी 4 रन के साथ अब चाहिए मात्र 2 रन इस मैच को जीतने के लिए। दोरिया इसी मैच में, इसी ओवर में मैच खत्म करना चाहते हैं। कैच का मौका जरूर था मगर छिमा रेखा के बाहर ये 4 रन। अगर पहले थोड़ी तेज खेल जाते तो दोरिया आज अपना सेंचुरी बना देते, क्योंकि 93 रन बना चुके हैं अब। अगर आप यहां से अब मात्र चाहे 2 रन इस मैच को जीतने के लिए। इस बार सीधा कप्तान तिशी टीको के हाथों। नाइन्टी थ्री रन का ये खूबसूरत पारी तिची दोरिया का यहीं पे समाप्त, अपना काम किया। जीत ही चुके हैं यहां से लगभग पप्पू रॉयल्स। मात्र 2 रन चाहिए। इस बार भी पुल करना चाहते मगर कप्तान तिशी थी को मौजूद। मैंने पहले ही कहा था डायरेक्ट थ्रो होगा, होता तो यहाँ शायद कुछ हो सकता था मगर कोई खतरा नहीं। इसी के साथ 19वां ओवर की भी समाप्ति। 19 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 175, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। 2 रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। कॉर्पोरेट बॉक्स पे मौजूद परंग सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वापिस जाऊंगा, परंग सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन इस टूर्नामेंट का, और मेंबर्स ऑफ T20 हॉर्नबिल T20 ऑफ दिस टूर्नामेंट। कट कर दिया है पॉइंट की दिशा पर, आसानी से 1 रन चुराया। और अब मात्र 1 रन चाहिए 5 गेंदों में, माफी चाहूंगा 4 गेंदों में 1 रन चाहिए। खूबसूरत हैंडसम हंक कमेंटेटर को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, साथ में हमारे कारा रही तर्द अंपायर। और मात्र 1 रन चाहिए, उतार दिया फील्डर्स के ऊपर से, और ये सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, और इसी 4 रन के साथ पप्पू रॉयल्स ने इस मैच को जीत लिया। खूबसूरत ये मैच, आज का पहला मैच पप्पू रॉयल्स और पंजाब टाइटंस के बीच खेला था, और पप्पू रॉयल्स ने इस मैच को जीत लिया। खूबसूरत बल्लेबाजी हमने देखा तिची दोरिया का, 93 रन बनाए और इस मैच को जीत लिया। और मैं बता दूं,
दूसरा मैच तानी हंटर्स बनाम लालाने किंग्स के बीच खेला जाएगा। आज का दिन का दूसरा मैच है तानी हंटर्स बनाम लालाने किंग्स। दर्शकों आप इस मैच को दूसरा मैच को भी जरूर देखें और कुछ ही देर बाद हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे आएंगे। धन्यवाद। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल। क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड।
दोनों ही टीम को मैं अनुरोध करता हूँ, आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए जल्द से जल्द आ जाइए। वेलकम टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में है। आप पारंग सर्किल क्रिकेट एसोसिएशन के हॉनरी सेक्रेटरी नाबम नागुंग जी और जीएम ऑफ पफुम पारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, तो आप और उनके साथ नाबम तारिंग आज के मैच रेफरी, आप दोनों का स्वागत है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। तो हम आज सीधे मैच नंबर 14 समारी पे आते हैं। पफुम रॉयल्स वर्सेस पंजर टाइटंस के बीच खेला गया था, तो जीता पंजर टाइटंस ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला की और 176 रन बनाए 6 विकेट गंवाकर 20 ओवर में, और पफुम रॉयल्स ने 180 रन बनाकर इस मैच को जीता 1 विकेट गंवाकर 19.3 ओवर्स में। और रिजल्ट कुछ इस प्रकार है, पफुम रॉयल 1/9 विकेट्स, माफी चाहूँगा 9 रन्स 9 विकेट्स, जी हाँ 9 रन्स। और हम सीधे मेन इवेंट मैन ऑफ द मैच पे आते हैं, जिनका नाम है तिची तादो। 57 रन बनाए 57 बॉल का सामना करके, 54 चार चौके 5 छक्के लगाकर 2 कैचेस पकड़े और मैन ऑफ द मैच को प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पारंग सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन। वहाँ पे जाऊँगा हॉनरी सेक्रेटरी ऑफ पारंग सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन, जीएम ऑफ पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, थैंक यू। इतना ही था आज का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, धन्यवाद।